दिल्ली और हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है तो महीने भर से भीषण लू के चपेट में आए लोगों को बड़ी राहत मिली। देर रात से हरियाणा और दिल्ली के कई हिस्सों में बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। उधर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कुछ जगह सुबह बारिश भी हुई। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जींद, अंबाला और नारनौल से। इन तीनों की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आंधी तूफान और तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम सुहावना नजर आ रहा है और सड़कें पूरी तरह से भीग चुकी हैं। मौसम सुहावना नजर आ रहा है और एक लंबे समय के बाद चिलचिलाती हुई धूप, भीषण गर्मी, तपती हुई धूप से अब लोगों को निजात मिला है। जिस तरह से बारिश आंधी तूफान का दौर रिकॉर्ड किया गया है, हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद अब जो तापमान है, तापमान भी लुढ़का है। तापमान में गिरावट, भारी गिरावट तापमान में दर्ज की गई है, जिसके बाद अब मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है और इसी के साथ अब कहा जा सकता है कि प्री मॉनसून ने हरियाणा को हिट कर दिया है। हरियाणा में प्री मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली के भी कई इलाकों में आंधी तूफान कल दर्ज किया गया। आंधी तूफान के बाद दिल्ली में भी कुछ हिस्सों में बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद अब हरियाणा, दिल्ली समेत कई इलाकों में तापमान में गिरावट आई है और इस भीषण गर्मी से लोगों को अब राहत मिली है। ये तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं जींद, अंबाला और नारनौल की। यहां पर सड़कें पूरी तरह से पानी से भीग चुकी हैं और तेज बारिश आंधी तूफान की वजह से लोगों को अब राहत मिली है। हरियाणा के कई हिस्सों में अब मौसम बदल चुका है। भीषण गर्मी से लोगों को फिलहाल राहत मिली है। प्री मॉनसून के दस्तक देने की वजह से अब तूफान, आंधी और बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और जिस तरह से लोग गर्मी की समस्याओं से जूझ रहे थे, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी लोगों को इस भीषण गर्मी के दौरान हो रही थी। उल्टी, दस्त, चक्कर, बुखार जैसे लक्षण लोगों में देखने को मिल रहे थे। क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी हरियाणा और दिल्ली में पड़ रही है, उसकी वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब जाके प्री मॉनसून ने हरियाणा में दस्तक दी है, दिल्ली में दस्तक दी है, जिसके बाद अब बारिश का दौर देखने को मिला है। दिल्ली के कई इलाकों में भी बारिश देखने को मिली। आंधी तूफान की वजह से अब टेम्परेचर में, यानी कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों ने अब राहत की सांस ली है। तपती हुई धूप से अब लोगों को फिलहाल राहत मिली है। ठंडी हवाओं का लुत्फ अब लोग उठा रहे हैं। सड़कों पर लोगों ने जिस तरह से निकलना बंद कर दिया था, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, अब इसके बाद बारिश से लोगों को राहत मिली और फिलहाल लोग बाहर निकल रहे हैं। लोगों का बाहर आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। सुहावने मौसम का लुत्फ लोग उठाते नजर आ सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर लोग आ रहे हैं बाहर और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। आज बारिश हुई मतलब की तो क्या सर इसके साथ? भाई गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, भयंकर गर्मी थी। आज थोड़ी गर्मी से राहत मिली है। और बारिश अच्छी हो जाएगी तो फसलों का भी फायदा है और पशुओं का भी फायदा है और पीने का पानी की भी सुविधा हो जाएगी। तो आज फसल में कौन मतलब कितना फायदा होगा? जी फसलों में बहुत फायदा होगा, सारी फसल सूखने लग रही थी। हाँ बारिश आने से थोड़ी राहत मिली है। सवा महीने से पिछले गर्मी ने इतना बुरा हाल कर रखा था कि बैठने में सोने में बड़ी दिक्कत थी, बिजली की प्रॉब्लम भी थी। और अब जो है रात से जो है मौसम बदला है और रात भी थोड़ी बारिश हुई और सुबह जो है बारिश हो रही है, इससे जो है थोड़े एक तो गर्मी में आराम मिलेगा और बहुत अच्छा लग रहा है। डेली सुबह के टाइम हम आते हैं सैर करने मंदिर में माथा टेकने। तो देखिए ये वीडियो क्लिप्स हमने जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया है, ये कुछ लोग हरियाणा के रहने वाले हरियाणा वासी जो बता रहे हैं कि बारिश की वजह से लोगों को अब बड़ी राहत मिली है। जिस तरह से एक लंबे समय से भीषण गर्मी का दौर जारी था, उसके बाद अब राहत की सांस लोग ले पाए हैं।